प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को चौथा पैरा पढ़ा रहे हैं। विथ ए सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर। एक संतोषजनक अभिव्यक्ति के साथ उसने अपनी पकी हुई खेत की फसल का ध्यान किया जो फूलों से लदी हुई थी। ट्रैप्ड इन द कर्टेन ऑफ रेन, जो बरसात के पर्दे में, वर्षा की बूंदों के पर्दे में लहरा रही थी। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक तेज हवा चलना प्रारंभ हुई। एंड अलॉन्ग विथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगैन टू फॉल, और वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने प्रारंभ हो गए। दिस टूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, वास्तव में ये नए चांदी के सिक्के से मिलते जुलते थे, चांदी के सिक्के के समान थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्स। लड़के जो पानी का आनंद ले रहे थे, वर्षा का आनंद ले रहे थे, उन जमे हुए मोतियों को उठाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए दौड़े। It is really getting bad now, exclaimed the man. आदमी ने आश्चर्य व्यक्त किया कि निश्चय ही अब यह गलत हो रहा है, बुरा हो रहा है। I hope it passes quickly. मैं आशा करता हूं कि यह जल्दी गुजर जाए, बीत जाए। It did not pass quickly. यह जल्दी समाप्त नहीं हुआ। For an hour the hell rained on the house. क्योंकि एक घंटे तक वर्षा, ओले जो है घरों पर गिरते रहे, ओलों की बरसात घरों पर होती रही। गार्डन, बगीचों में, हिल साइड, पहाड़ियों पर, कॉर्नफील्ड, पकी हुई फसलों के ऊपर, ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में ओलों की बरसात घंटों होती रही। फील्ड वाज वाइट एज इट कवर्ड विद साल्ट, खेत पूरा सफेद हो गया जैसे कि यह नमक से ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं शेष बची। कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट, पेड़ों से पौधे गायब हो चुके, सॉरी फूल, पेड़ों से फूल, पौधों से फूल गायब हो चुके थे, खत्म हो गए थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। वेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया, समाप्त हो गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ। एंड सेड, और कहा टू हिज सन्स, अपने बेटों से, अ प्लेग ऑफ लुकर्ट्स कुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, टिड्डियों की महामारी भी इससे ज्यादा छोड़ देती। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओले ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे लिए कोई फसल नहीं है। डेट नाइट वाज ए सारोफुल वन, वह रात बहुत ही दुखद थी, वह एक दुखद रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारे पूरे कार्य के लिए कुछ भी नहीं। देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई है भी नहीं जो हमारी मदद कर सकता है। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम सभी भूखो रहेंगे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, देर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन उस अकेले घर में उस घाटी के मध्य में जो लोग रहते थे, उनके दिल में एक आशा थी, वह थी भगवान की मदद। उस अकेले घर में घाटी बीच घाटी में जो लोग रहते थे उनके दिल में केवल एक इच्छा थी, ईश्वर की मदद। डू नॉट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, इतने दुखी मत हो क्योंकि यह संपूर्ण हानि प्रतीत होती है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भूख से नहीं मरता है। That is what they say, ये क्या था जो उन्होंने कहा, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर लंच ओ थॉट ओनली ऑफ हिज ओन होप, वन होप,
पूरी रात भर लंचो केवल अपनी एक आशा को सोच रहा था, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की आशा, हुज आइज ही हैड सीन इंटरेस्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन ओन कंसाइंस एज हुज आइज एज ही हैज इंटरेस्टेड, जैसा कि उसको विश्वास था, उसकी आंखें सब कुछ देख रही थी, इवन व्हाट ए डीप इन वंस कंसाइंस, फिर भी उसके अंतरात्मा में एक चीज थी, एक आशा थी। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो एक बैल आदमी था, मोट बुद्धि का व्यक्ति था, मोटी बुद्धि का व्यक्ति था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जानवर की तरह खेत में काम करता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, फिर भी वह जानता था कि कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता था, पढ़ना लिखना जानता था। फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, आने वाले रविवार को उषा काल के समय, एट ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन, जिसको वह स्वयं शहर ले जाएगा, कस्बा बाजार ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे मेल बक्से में डालेगा, डाक में डालेगा। इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह एक ईश्वर को पत्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं था।